झुंझुनू से उपचुनाव में निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा ये चुनाव निकाल सकते हैं, ऐसी लगातार आप खबरें देख रहे होंगे। क्योंकि जहां जहां राजेंद्र सिंह गुड़ा जा रहे हैं उनके समर्थन में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, और छोटे छोटे गली में, नुक्कड़ में, मोहल्लों में जिस तादाद में लोग उनके वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। इस जबरदस्त तरीके का समर्थन राजेंद्र सिंह गुड़ा को मिल रहा है। राजेंद्र सिंह गुड़ा का ये समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों सत्ते में है, क्योंकि उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। और लगातार अब झुंझुनू में जब से उपचुनाव की चर्चा हुई, उदयपुर से जिस बार जो उदयपुर वाटी विधानसभा है वहां से राजेंद्र गुड़ा इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन अब झुंझुनू उपचुनाव में जब से ताल ठोकनी उन्होंने शुरू करी, धीरे 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 समर्थन इतना बढ़ता गया। और अब जिस तरीके से जो चुनावी रैलियां उनकी हो रही हैं, चुनावी समर्थन जो उनको मिल रहा है, लगातार उनकी जो रैलियां निकल रही हैं हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही रैलियां, यही भीड़, यही जनसभाएं राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पक्ष में जो उनका मतदाता है वो जाता हुआ दिख रहा है। वैसे चुनाव 13 तारीख को है और रिजल्ट क्या आएंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके का समर्थन राजेंद्र सिंह गुड़ा को मिल रहा है, लोकल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, उसमें लगातार राजेंद्र सिंह गुड़ा के समर्थन में हवा दिखाई जा रही है कि राजेंद्र गुड़ा यहां से कांग्रेस और भाजपा के हाथ से ये चुनाव निकाल सकते हैं। निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये जो सीट है वो लगातार रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है वो इस सीट को जीते, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के आने से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया, और त्रिकोणियों के साथ साथ अब ये मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेंद्र गुढ़ा के पक्ष में समर्थन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और उसी वजह से जो लोग कह रहे हैं और मीडिया में भी आ रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा चुनाव निकाल सकते हैं।